एक बार मान लो हर्ष, हर्ष इज व्हाट, हर्ष इज अ डेटा हियर, ठीक है। और अगर मैंने लिखा हर्ष 11A3 एंड देन आफ्टर 2020, तो ये हर्ष अब डेटा ना होके इंफॉर्मेशन हो गया। क्या इंफॉर्मेशन होगी? हियर द इंफॉर्मेशन इज हर्ष इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11A3 सेक्शन ऑफ 2020 सेशन। सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये हमारा डेटा है एंड ये हमारा इंफॉर्मेशन है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस होता है डेटा और इंफॉर्मेशन में। अब ये डेटा इंफॉर्मेशन में बाइफर्केट तो आप कर ले रहे हो, बट हाउ एक्चुअली यू कैन यूटिलाइज इट फॉर योर फ्यूचर पर्पसेस। अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमारा एक स्कूल सिस्टम है, ऑलरेडी हम लोग स्कूल सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ टर्म में मैं इसको डिफाइन करता हूँ। मान लो कि ये हमारा स्कूल मैनेजमेंट है, ओके, ये है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम SMS। अब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम से नहीं चल सकता है, तो स्कूल में नंबर ऑफ सब सिस्टम्स हैं। कितने सिस्टम हैं देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मान लो ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, ये तीसरा सिस्टम है, ये चौथा सिस्टम है। मान लो टोटल 5 सिस्टम यानी कि 5 डिपार्टमेंट है स्कूल के, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो हमारा फॉर्म करते हैं SMS को, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को। ओवरऑल जो स्क्रीन अभी आपको दिख रहा है, इसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोलते हैं, ER डायग्राम, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक सिस्टम को बनाने के लिए कितने मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। खैर, यहाँ पे पहले इसको समझ लो। सबसे पहला मान लो स्कूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका एडमिशन डिपार्टमेंट। एडमिशन DPT कर देता हूँ, DPT मीन्स डिपार्टमेंट, ठीक है, ये एडमिशन डिपार्टमेंट हो गया। सेकेंड पार्ट मान लो यहाँ पे आ जाता है, दैट एक्चुअली इज अकाउंट, AC शॉर्टकट है, AYC अकाउंट डिपार्टमेंट। नो डाउट स्कूल है तो वहां लाइब्रेरी भी होगी, LIB डिपार्टमेंट, DPT। और स्कूल है, लाइब्रेरी है, क्लासेस हैं, तो यहाँ पे क्लास क्लास मैनेजमेंट के लिए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होगा, या इसको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे एक और भी हो सकता है, अगर आप चाहो तो उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट है, एडमिशन डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, तो ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास एक होगा जो कि एडिशनल होता है, दैट एक्चुअली इज IT डिपार्टमेंट, क्योंकि विदाउट IT डिपार्टमेंट किसी भी डेटाबेस सिस्टम पे काम नहीं हो सकता है या कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पे मान लो एज फॉर एग्जाम्पल आप एडमिशन लेने के लिए आते हो, तो आपको एडमिशन डिपार्टमेंट में जाना होता है, वहाँ फॉर्म भरने हैं, एग्जामिनेशन होने हैं, तो एग्जामिनेशन कौन कराएगा? एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट कराएगा। कॉपी चेकिंग होगी, इवेल्युएशन होगा, वो सारा काम एग्जामिनेशन देखेगा। जैसे ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाता है, आपका लिस्ट आउट हो जाता है, तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, आपको एलिजिबल कराता है। दैट मींस एक लिस्ट निकालती है जिसके थ्रू कि आप एडमिशन ले सकते हो। तो क्या करते हैं हम लोग, अकाउंट डिपार्टमेंट बनाते हैं इसके लिए। अकाउंट डिपार्टमेंट में आपके अकाउंट मेंटेन होती है, दैट मींस कि आपका एडमिशन चार्ज या फीस या उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है, यानी जहां भी आपका अकाउंट से रिलेटेड टर्म है वो यहाँ से आएगा। नेक्स्ट, क्योंकि स्कूल है तो यहाँ लाइब्रेरी होना जरूरी है बुक्स वगैरह के लिए, तो आप बुक भी यहाँ से इशू करा सकते हो, रिटर्न करा सकते हो, या अगर लेट से आप उसको अगर डिपॉजिट करते हो तो उसके बेसिस पे आपको फाइन भी लग सकती है यहाँ पे। तो ये सब चीजें कोऑर्डिनेट कौन करेगा? SMS। अब इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये IT SMS का ही पार्ट होता है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का ही पार्ट होता है, जिसके थ्रू की ये सारी चीजें मेंटेन होती है। लेकिन अगर मान लो ये पेपर बेस्ड सिस्टम है, तो हर डिपार्टमेंट अपना रिकॉर्ड कीपिंग अलग अलग रखेगा। यानी कहने के सेंस, अगर मान लो SMS यानी स्कूल मैनेजमेंट अगर कभी भी कोई डेटा यूज करना चाहती है स्टूडेंट का, टीचर का या स्टाफ का, तो इसको इंडिविजुअली डिपार्टमेंट वाइज कॉल करना होगा और इसमें काफी टाइम किल हो जाता है। अगर इन सारे चीजों को एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में अगर डाल दिया जाए, तो उस टर्म को यहाँ हम लोग बोलेंगे नॉर्मली DBMS। इसको बोलते हैं हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कनेक्ट करता है। यानी कि जो चीजें अगर यहाँ हो रही है, तो उसका इंफॉर्मेशन यहाँ भी अवेलेबल होगा, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ भी अवेलेबल होगा,
और उसका इंफॉर्मेशन यहाँ भी अवेलेबल होगा। तो वैसा डेटाबेस सिस्टम जिसमें कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो, एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन हो, एंड देन आफ्टर यहाँ कलेक्टिवली रिपोर्ट निकाले जाते हो, यानी कि सिंपल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम से हम लोग इन सारे डिपार्टमेंट के डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिपोर्टिंग होगा वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इन सबको करने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है वो नॉर्मली डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में हम लोग तीन चार काम ही कर पाते हैं। कौन कौन सा? क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो डीबीएमएस वर्क है ये हमारा सिंपल। लेकिन अगर आप उसमें रिलेशन या फिर उससे रिलेटेड कैलकुलेशन या उससे आगे की चीजें करनी चाहते हो हायर लेवल पे, तो आपको अनदर पार्ट में आना पड़ेगा जिसको कि हम लोग कहते हैं आरडीबीएमएस। यहाँ डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और आरडीबीएमएस है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें डेटाबेस के बीच कनेक्टिविटी होती है और एक दूसरे से वो कोऑर्डिनेट भी करता है। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ठीक है, क्यों बनाया? मैं इंडिविजुअल तो सबसे कनेक्टेड हूँ, लेकिन मान लो कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन या कोई हमको नोटिफाई करना है आपको, तो इंडिविजुअली सबको जाके बोलना पड़ेगा। उसके जगह पे क्या एक सिंगल इन्फॉर्मेशन मैंने पुट किया कि नाउ अटेंडेंस लिंक इज एक्टिव, तो सबको मिल गया वो इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो आरडीबीएमएस है ये हमारा उस पर्टिकुलर थिंग को रिप्रेजेंट करता है कि आप एक साथ मल्टीपल मॉड्यूल्स को एक्सेस कर सकते हो और साथ में उसका यूज भी कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आती है, नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ कि हाउ एक्चुअली इट कैन बी पॉसिबल एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इट। तो हार्डवेयर में आपके पास कोई भी लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, सब चलेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन की जरूरत है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ दो बातें होती है, फर्स्ट होता है जिसमें कि आपका मनी मैटर नहीं करता है और एक जगह मनी मैटर करता है। मतलब अगर आपको फुल्ली एक्यूरेट और एक प्रोफेशनल सिस्टम चाहिए तो आपको पेड सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे, जैसे कि ओरेकल दुनिया का सबसे हाईली सिक्योर और कह सकते हैं हम लोग रिलायबल सॉफ्टवेयर है जिसपे कि आप डेटाबेस ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास है एमएस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर या कहो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, ये हमारा दो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लेवल पे यूज होता है। जैसे मान लो दुनिया में जितने भी प्रोग्रामर्स है उसके दो कैटेगरी आज के डे में। ठीक है, एक है आपका जो कि आपके कंप्लीटली फॉस पे काम करते हैं, फॉस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, FOSS, दैट इज कॉल्ड फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है दैट एक्चुअली कॉल पेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, पेड सॉफ्टवेयर। तो नॉर्मली अगर देखा जाए कि जिस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की लेवल या यू कह लो कि उसका जो अकाउंटेबिलिटी वो काफी लिमिटेड है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो फॉस की ओर मूव करती है, दैट मीन्स फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की ओर मूव करती है, ताकि वहां पे रिसोर्सेस चीप एंड बेस्ट और फ्री में मिल जाए। नेक्स्ट है पेड में। पेड का आपका मीनिंग क्या है? यहाँ पे आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि आपके सॉफ्टवेयर के साथ साथ एक टीम आपके लिए से काम करती है, जो कि जिसको आप बोलते हो कस्टमर सर्विसेज, जिसके थ्रू अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ऑनलाइन आपको हेल्प मिल जाता है, या फिर आपको डायरेक्टली लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो जाती है। लेकिन अगर फ्री ओपन सोर्स की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि पेड सॉफ्टवेयर को परचेज करने का मीनिंग ही होता है यू आर एक्चुअली गेटिंग अ लाइसेंस की फॉर यूजिंग द सॉफ्टवेयर। अब जैसे मान लो अभी के समय में अगर आपको बाइक चलानी है, कार चलानी है, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होने जरूरी है, अदरवाइज वो इलीगल होगा। सेम प्रोसेस हमारे सॉफ्टवेयर में भी होते हैं। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हो यानी कि कोई सर्विस अवेल करते हो अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन यूज के लिए, तो आपको उसको परचेज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ओरेकल, MySQL सर्वर, विंडोज, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एडोब या फिर आप फोटोशॉप, ये सब चीज देख लो, ये सारे पेड सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपको पे करके ही एक्सेस करने होते हैं। अगर आप उसको पे नहीं करते हो, डायरेक्ट एक्सेस करते हो, तो यू मे बी फाइन फॉर द
क्या बोलते हैं उसको टर्म को, अनऑथराइज यूज, दैट मीन्स कि आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो लाइसेंस हमारे पास दो तरह का है, एक है पेड लाइसेंस जिसमें कि उसकी अवेबिलिटी होती है पार्टिकुलर ईयर का, जैसे एक साल का, छह महीने का, पांच साल का, तीन साल का, आप परचेज कर लेते हो, उसके बाद आपको फिर से रिन्यूअल करानी होती है। और एक होता है लाइफ टाइम, यानी एक बार परचेज किया आप लाइफ टाइम फ्री हो गया आपका, यानी लाइफ टाइम उस सॉफ्टवेयर में जितने भी डेवलपमेंट होंगे उसका आपको रिसोर्स दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख लो एंड्रॉइड, आप एक बार मोबाइल खरीदते हो और हमेशा आपको उसमें अपडेट मिलता रहता है, दैट मीन्स आपने उसका पेमेंट पहले ही कर दिया। या फिर आप जो सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज कर रहे हो वो फॉस है, दैट मीन्स कि फ्री ओपन सोर्स है। तो यहाँ पे फ्री ओपन सोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये GNU बेस्ड होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म है जो आपको याद होने चाहिए। GNU का मतलब होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस, इसको GPL भी बोलते हैं, जनरल पब्लिक लाइसेंस, जो कि यूजर्स को दिए जाते हैं एंड उसके थ्रू उस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर का को यूज करने के लिए किसी भी वेंडर को पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। तो बात आती है कि डेटाबेस के लिए वो कैसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमारा ये काम कर सकता है। तो नॉर्मली हम लोग उसको यूज करते हैं जिसका कि नाम है हमारे पास MariaDB। MariaDB इज अ प्रोजेक्ट ऑफ सन माइक्रो सिस्टम, प्रीवियसली इट इज कॉल्ड एज MariaDB, बट आफ्टर सम चेंजेस और कमर्शलाइजेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज MySQL। हियर SQL, एक्चुअली यहाँ पे टर्म क्या है MySQL का, मारिया बेसिकली जो डेवलपर थे SQL सिस्टम का, ठीक है, उसकी क्या बोलते हैं डॉटर का नाम था मारिया, तो उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया MariaSQL। या SQL क्या है, SQL इज ए स्टैंडर्ड, जैसे अगर मान लो कंप्यूटर सीखना है तो स्टैंडर्ड आपके पास होता है इंग्लिश, आपको अगर इंग्लिश आती है तो कंप्यूटर आसानी से सीख सकते हो। सेम प्रोसेस में क्या है, कंप्यूटर में आपको डेटाबेस पे काम करना है तो वहां पे स्टैंडर्ड होता है SQL, दैट इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं, लैंग्वेज GNU का फुल फॉर्म लिख दीजिए सर, जनरल पब्लिक लाइसेंस ही होता है उसका, कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे यू साइलेंट है। आप इसको तो बोलो फिर से उत्तम, नहीं सुन पा रहा हूँ आपका आवाज, एक बार बोलो फिर से। आई थिंक आप बात कर रहे हो कि पेड सॉफ्टवेयर आपने परचेज करी है वो अनइंस्टॉल हो गया या आपका लैपटॉप खराब हो गया, इट डजंट मैटर। आपके कंप्यूटर में इतने सारे डिवाइसेस हैं जिसका इंफॉर्मेशन पेड सॉफ्टवेयर कंपनी आपका रख लेती है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो अगर आपने वन लाइसेंस सॉफ्टवेयर परचेज कर किया है लाइक एंटीवायरस के सेंटर, मान लो आपने परचेज किया है, मैं यूज कर रहा हूँ उसको, तो आपके सिस्टम में अगर वो एक बार इंस्टॉल हो गई तो उसका एक नोटिफिकेशन उस सर्वर पे चला जाता है जिसके थ्रू अगर मान लो इस सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम जो आप यूज कर रहे हो अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया या अनइंस्टॉल हो गया, तो उस बेसिस में फिर से इंस्टॉल करोगे तो आपको वहां पे लाइसेंस सिर्फ आपको बताने की जरूरत होती है, उसके बाद वो इजिली काम करता है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और GPL क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे फ्री है तो आपको किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसके पास पहले से ही GPL होता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है। अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपके पास साइकिल होगा घर में, मे भी अगर होगा, आज के समय में सब बाइक रखते हैं, आप दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट परचेस करोगे तो उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। कभी आप देखना चाहोगे जैसे साइकिल अगर घर में है या बाइक वगैरह है तो देखोगे हैंडल के नीचे में कुछ नंबर होते हैं जिसको सिंपली बोलते हैं चेसिस नंबर, ठीक है, उस पार्टिकुलर व्हीकल का नंबर है मान लो, तो वो नंबर आपका आइडेंटिफाई होता है कि ये किसका है, उसे पता लगाया जा सकता है, ठीक है। खैर आज के डे में साइकिल कम यूज करते हैं लोग। खैर मैं यहाँ पे आता हूँ, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस। तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया क्योंकि SQL के डेवलपर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, नाम याद आ जाएगा धीरे धीरे, उन्होंने अपने बेटी के नाम पे मारिया रखा था, उसका नाम MariaDB,
लेकिन बाद में उसका नाम हो गया माई एसक्यूएल। और एसक्यूएल का भी एक अलग ही थ्योरी लाइन है, या कह सकते हो हिस्ट्री लाइन है, टाइम लाइन है। स्टार्टिंग में इसको सिक्वल कहते थे, सिक्वल यानी कि एसक्यूएल, सिक्वल आप इसको अगर प्रोनाउंसिएट करोगे तो सिक्वल होगा। और जब भी आप किसी डेवलपर वगैरह से मिलोगे, जो कि खासकर पुराने डेवलपर हैं, वो हमेशा एसक्यूएल को सिक्वल ही बोलते हैं, क्योंकि बोलने में ज्यादा आसान है। ठीक है, तो एसक्यूएल और सिक्वल बोथ आर सेम। अब बात आती है आप ओरेकल पे काम करो, MySQL सर्वर पे काम करो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे काम करो, MariaDB पे काम करो, इन सारे जगहों पे जो स्टैंडर्ड है काम करने का वो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैं आपको इसको वन बाय वन डिफाइन कर देता हूँ। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में हम लोग तीन तरह का काम करते हैं। कौन कौन सा? DDL वर्क करते हैं, लास्ट डे बताया था मैंने, DML वर्क करते हैं, एंड द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड TCL वर्क करते हैं, यानी ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। यानी यहाँ पे आप देखोगे एक तरीके से TCL हटा दो तो DDL और DML कौन सा वर्क करता है, तो ये दोनों मिलके क्रूड वर्क करते हैं। कैसे करते हैं बता देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्रूड वर्क, कैपिटल में लिखेंगे, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम अब मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करूं कि जैसे ही आप MySQL इंस्टॉल कर लेते हो, अगर उसको यूज करना चाहते हो, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, आप देख लो इसको स्क्रीन पे। सबसे कॉमन एग्जांपल है, आप MySQL का एक शॉर्टकट लिंक अवेलेबल करा लो, जैसे ये है हमारे पास IDLE या जो भी अब मैंने सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, ये जो हमारा MySQL होता है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे जाओ, SQL लिखो, MySQL, ये ऑटोमेटिक देखो आपके पास आ जाता है। इसमें इसको नहीं जाना है, आपको नीचे वाला जाना है, दैट इज कमांड लाइन क्लाइंट को। अब इसको आप राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार या पिन टू स्टार्ट मेनू कर दो, तो ये आपके स्टार्ट मेनू में ऐड हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद जैसे ही क्लिक करोगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि मैंने कल लास्ट डे इसमें सेटअप कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो ये सिंपल प्रोसेस है। इसके अलावा आप चाहो तो उसको डेस्कटॉप पे भी रख सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से राइट क्लिक करो और आपके पास ऑप्शन आ जाता है ओपन फाइल लोकेशन, क्लिक करो यहाँ पे, ये आ गया। अब इसको राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप कर दो, सबसे आसान तरीका है। यानी कभी भी अगर आपको सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका सॉफ्टवेयर यहाँ स्क्रीन पे आ गया, बस इस पर क्लिक करो एंड देन आफ्टर एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से जाओगे रन में और यहाँ लिखोगे CMD। ठीक है, CMD का मतलब होता है DOS मोड। मे बी आप लोगों ने सुना होगा DOS मोड क्या होता है। हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दो मोड में काम करता है, एक CUI मोड, एक GUI मोड। CUI मोड को बोलते हैं कैरेक्टर और कमांड यूजर इंटरफेस, और GUI को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कॉमनली जो हमारा विंडोज इन्वायरमेंट होता है, जो ये इन्वायरमेंट आपको दिख रहा है, जिसमें कि आपके पास फोल्डर है, फाइल्स है, आइकन्स है, प्रोग्राम है, जो चीजें आपको दिख रही है ये सारी चीजें क्या है, GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। लेकिन CUI में आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिलता है, यहाँ पे हर काम के लिए कमांड है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि इस ज्ञान रोशन PC के अंदर कितने फाइल्स है, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे DIR। DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी, याद रखोगे। ये सब क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि आप पाइथन पे काम करते हो इसलिए भी, और MySQL पे भी काम करते हो इसलिए भी। ये सारे फोल्डर्स हैं, जहाँ भी DIR लिखा है वो फोल्डर है, और जहाँ पे आपको जैसे test.class, test.java, test.png, तो ये सारे फाइल्स हैं। सेम प्रोसेस में मुझे इसके एक बैक जाना है, तो डबल डॉट लगा के सीडी करेंगे, एक बैक चला जाता है। ये शॉर्टकट नहीं है, ये कमांड है, आपको ये कमांड याद रखना पड़ेगा। अब मान लो कि मुझे देखना है कि इसमें सी ड्राइव के अंदर कितने फाइल्स एंड फोल्डर है, या उसका कनेक्शन किस फाइल के साथ है या फोल्डर के साथ है, तो एक कमांड होता है ट्री। ठीक है, एंटर की प्रेस कर दो, एक मिनट, TRW, ये देखो ये आपका प्रोसेसिंग चलता रहेगा जब तक कि सारे फाइल्स एंड फोल्डर आपके स्क्रीन पे ना आ जाए। ठीक है, तो जितने भी आप सर्वर लेवल पे एप्लीकेशंस वगैरह अगर देखोगे तो वो आपका काम करता है CUI बेस्ड पे। यानी जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया,
अमेजोन हो गया, वहां पे सारे के सारे काम सीयूआई बेस्ड पे होते हैं और क्लाइंट एंड में सिर्फ जीयूआई दिया जाता है, कंट्रोल सी कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी फाइल्स हैं, जैसे सबसे ऊपर आता माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट है, अब यहाँ पे 10.1.0.3.3 नाम का कोई फोल्डर है या फाइल है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपके फाइल्स हैं सबका एक्सेस आपको यहाँ दिख जाएगा कि कौन किसके अंदर क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप माई एसक्यूएल टाइप करो, अगर आपके सिस्टम में ये माई एसक्यूएल नहीं काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे लिख रहा है इट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, दैट मीन्स कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में या तो माई एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं है या फिर आपका सेटअप नहीं किया हुआ है, इस कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर देखो मैं यहाँ पाइथन लिखूंगा तो ये पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देगा, वेट कर लो, देखो पाइथन शुरू हो गया। जो आप आईडीएलई पे काम करते हो वो सारा काम यहाँ कर सकते हो, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ तो ये आउटपुट भी दिखा देता है। तो दैट मीन्स कहने का सेंस है जो काम आप जीयूआई पे करते हो वो काम सीयूआई पे भी कर सकते हो। तो ये मैंने आपको दो तीन प्रोसेसेस बताई है, बाहर आ गए, एग्जिट, एग्जिट कमांड सबसे फेवरेट कमांड है मेरा, एक बार क्लिक करो बाहर आ जाते हो, ठीक है। यहां तक अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो सॉफ्टवेयर आप एक लेमैन के लिए बनाते हो, ये आपके माइंडसेट होता है, ठीक है। लेमैन मीन्स वैसा लोग जिसको कि कंप्यूटर नहीं आता है, ठीक है, यानी कंप्यूटेशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सिर्फ क्या जानते हैं कि इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये होगा, इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये होगा, बस उनको इतना ही पता होता है, वैसे यूजर को लेमैन यूजर कहते हैं। तो वैसे सेंस में जो प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग वहां पे यूआई डिजाइन होता है, जिसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस डिजाइन। और ये यूजर इंटरफेस डिजाइन जो होता है ये हमारा फ्रंट एंड होता है, मतलब वैसा व्यू जो कि यूजर के लिए बनाया गया है, प्रोग्रामर या इमीडिएट यूजर के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास जो बैकग्राउंड में प्रोग्राम काम करते हैं, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ तुरंत दिखाता हूँ, होल्ड करो, ये मैंने गूगल क्रोम खोला, गूगल क्रोम हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, खुल रहा है, खुल गया। अब इस फ्रंट एंड एप्लीकेशन में ये यूजर के लिए बनाया गया है, ज्ञानन वर्मा एक लेमैन है, मान लो कुछ नहीं आता इसको, सिर्फ इसको पता है कि गूगल एक चीज होता है, google.com लिखते हैं तो एक स्क्रीन आ जाता है। अब उस स्क्रीन पे जाने के बाद हमको जो भी चीजें चाहिए वो हम लिखेंगे, ये जवाब देगा। जैसे मैं लिखना चाहता हूं इन्वेंटर ऑफ माई एसक्यूएल, मैंने बोला कि मुझे नाम नहीं याद है, तो मैं सिंपली सर्च करूंगा तो इसको किसने बनाया है, ये हमारा एलन, क्या नाम है इसको, माइकल विंडेनिश, इन्होंने इसको बनाया था नॉर्मली, और माई एसक्यूएल एबी नाम की एक कंपनी थी जिन्होंने बनाया था। तो अभी यहाँ पे आप कॉमन देखो कि एक सामने क्वेरी लिखी और उसका आउटपुट मुझे तुरंत दिख गया, लेकिन ये इनपुट लिखने के बाद और सर्च पे क्लिक करने के बाद इंटरनल क्या काम हुआ हमने कुछ नहीं देखा। तो वैसा चीज जो यूजर के व्यू में नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैकिंग प्रोग्राम, यानी इस गूगल प्रोग्राम के बैक में भी कुछ प्रोग्राम चल रहे होते हैं, ठीक है। और जो प्रोग्राम आपको सामने दिखता है, स्क्रीन पे दिखता है, दैट एक्चुअली कॉल यूजर इंटरफेस और फ्रंट एंड, ठीक है। चलो अब मैं इसको बाहर आ जाता हूं, आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बैक एंड एंड फ्रंट एंड के बारे में। तो आपको आगे चल के पढ़ना है फ्रंट एंड का डिजाइनिंग आप करोगे पाइथन में, और जो डेटाबेस वर्क होगा वो इंड में, मतलब बैक एंड में होगा, जो कि हम लोग करेंगे MySQL से। तो दोनों चीजें आपको पढ़नी है आगे, इसलिए फोकस ऐसा नहीं रखोगे कि सिर्फ पाइथन पढ़ लिया अलग चीज था, डेटाबेस पढ़ूंगा ये अलग चीज है, दोनों एक ही है, आपको दोनों को एक जगह ही इस्तेमाल करना है, यूज करना है, ठीक है। चलो ओके, तो अब हम लोग आगे आते हैं, कमांड की बात करते हैं कि कमांड पे कैसे काम करना है। चलो विजय, और भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है आपके पास? DDL stands for data definition language and DML stands for data manipulation language and the last one TCL stands for
ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में भी ये प्रॉब्लम अब आगे नहीं आएगी। मैं अब मूव करता हूँ डीडीएल वर्क में, क्योंकि काफी ज्यादा डिस्कशन हो गया इस पे। ठीक है, तो सबसे पहला मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ डीडीएल का। तो डीडीएल मीन्स होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि ये हमारा क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज वेयर वी कैन डिक्लेयर और डिफाइन, दैट इज वी आर गोइंग टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल एंड ऑल्सो कैन मैनिपुलेट इट। जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाई, स्ट्रक्चर को अगर डिस्ट्रॉय करना है वो भी डीडीएल से होगा। स्ट्रक्चर में कुछ नया ऐड करना है, यानी अल्टरेशन करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, डिलीशन करनी है, ठीक है, तो वो सारे काम यहाँ से होंगे। तो इसमें कौन कौन सा कमांड है जो इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहला कमांड है क्रिएट कमांड। ठीक है, क्रिएट कमांड क्या है बताता हूं। उसके बाद है आपके पास दैट इज कॉल्ड ड्रॉप कमांड, उसके बाद है ट्रंकेट कमांड, उसके बाद है अल्टर कमांड, ये मेरा फेवरेट है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे व्हाट एक्चुअली द मीनिंग ऑफ क्रिएट कमांड। बेसिकली क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस एंड इट्स टेबल टू। लास्ट डे याद करो मैंने दो पॉइंट बताया था कि इन अ कंप्यूटर देयर इज ओनली फाइल एंड फोल्डर इनसाइड इट। कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर की बात करें तो दो ही चीजें होती है, कौन कौन सा, पहला होता है फोल्डर और दूसरा होता है फाइल्स। अब ये फाइल्स हमारा कुछ भी हो सकता है, ये एक फोटो हो सकता है, एक वीडियो हो सकता है, हमारा डॉक्यूमेंट हो सकता है, पीपीटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फोल्डर ऑलवेज एक रहेगा। सेम प्रोसेस में जब आप डेटाबेस पे काम करते हो तो डेटाबेस पे जो हमारा फोल्डर का काम, यानी कि फोल्डर मीन्स क्या, कंटेनर, कंटेनर का जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। ठीक है, और जहां पे आपका एक्चुअल कंटेंट स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं टेबल्स। तो आप कह सकते हो डेटाबेस इज व्हाट, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स दैट एक्चुअली होल्ड योर डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म वेयर डेटाज आर ऑर्गेनाइज इन अ रो एंड कॉलम फॉर्मेट। ठीक है, अब यहाँ रो एंड कॉलम फॉर्मेट में बना देता हूं थोड़ा सा, इसको आप पॉइंट आउट कर लोगे किस पार्ट को क्या कहते हैं। रिक्वायर्ड है ये मान लो मैंने एक कॉलम बनाया, दूसरा कॉलम बनाया, तीसरा कॉलम बनाया, थोड़ा तिरछा बन गया, ठीक है कोई बात नहीं है, ये पहला रो, दूसरा रो एंड तीसरा रो। अब इस चीज को कलेक्टिवली हम लोग जो बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये कलेक्टिवली हमारा कॉल्ड होगा एज टेबल। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, आपको रिकनेक्ट करना होगा और ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप रिकनेक्ट कर लोगे। ठीक है, और तब तक मैं इसको सेव भी कर देता हूं ताकि नेक्स्ट टाइम आपका काम आ जाइए। इसको हम लोग टेबल बोलते हैं कलेक्टिवली, पूरे के पूरे रो एंड कॉलम को। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म है दैट एक्चुअली दिस वन, ये जो हमारा टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं सिंपली, या यू कहो कि